वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बोल दूँ, जो भी मुझे देख रहा है, अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह का बज रहा है 10। तो मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चले गए, मैं उठी पहले उनको ब्रेकफास्ट करके दे रही हूँ। उनका थोड़ा आज मतलब थोड़ा हड़बड़ी था, लेकिन मेरा सुबह का कोई भी काम नहीं हुआ है। मैंने ब्रश नहीं किया है, मैं वॉशरूम नहीं गई हूँ, मैंने झाड़ू वाड़ू नहीं किया, अभी कुछ नहीं की हूँ। जस्ट हस्बैंड के आगे पीछे करके उनको सब कुछ करके उनको भेज दी काम पे। और आज मैं मॉर्निंग टू इवनिंग आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी, मतलब मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का ब्लॉग होगा ये। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैं सुबह से लेके दोपहर तक क्या क्या करती हूँ। तो मैंने लगाया था मेहंदी अपने हेयर में, तो कल लगाई थी मेहंदी, तो आप लोग देख सकते हैं कितना शाइनी शाइनी दिख रहा है। तो कल मैंने मेहंदी लगाया था और बहुत ज़्यादा सर भारी भारी लग रहा है, क्योंकि इसमें से मेहंदी का स्मेल भी आ रहा है। क्योंकि मेहंदी लगाने से मैं तुरंत हेयर वॉश पानी से सिर्फ करती हूँ, शैम्पू नहीं करती हूँ। तो अभी आज मैं शैम्पू कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से अपना डेली रूटीन जो भी होता है वो करते हैं। परी सो रही है, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। परी सो रही है और सो रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और पूरा देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जो गए हैं कैसे करके गए हैं, पूरा मुझे अब ये सब क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार कर लेती हूँ ब्रश, मैंने ब्रश नहीं किया है तो मैं करूँगी ब्रश। ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से आप लोगों से बातें करूँगी। ओके ब्रश करते हैं। Thank you.
दिखाई कि मैं क्या क्या की आप लोगों के साथ शेयर की। और ये मैंने परवल काटा, खाना में मैं सिंपल से खाना बनाऊंगी, तो ये मैंने ये मैंने करेला काटा है, करेला है तो करेला का भाजा बनाऊंगी, इसलिए करेला काटी हूँ। तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है ये, फिलहाल बहुत पसंद से खाते हैं, तो ये बनता ही बनता है हमारे घर में, भी रोज ही बन रहा है। तो करेला बनेगा और मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, बस ये सिंपल सा खाना बनेगा। तो फटाफट से मुझे बनाना है खाना और बहुत लेट हो गया है, बड़ी तंग कर रही थी उसको, आगे पीछे करते करते खत्म हो जाता है और काम तो काम ही है, वो तो खत्म होने के होने का नाम ही नहीं लेता। तो बस ये बैंगन है, बैंगन का सब्जी बनाऊंगी, बैंगन 5 फोरन कच्चा मिर्ची देके बनता है, बस वो इससे सिंपल 5 फोरन कच्चा मिर्ची देके बनाऊंगी और दाल चावल चढ़ाऊंगी। तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ और तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने खाना क्या बनाया है, क्योंकि कुछ गिर गया। तो फटाफट से तब बनाती हूँ, करती हूँ, किचन पूरा मेस है और करेला के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, करेला भूज लेती हूँ और दाल चावल चढ़ाऊंगी, ये सब करूंगी। तो मेरा खाना रेडी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। ये मैंने बनाया है आलू बैंगन की सब्जी, टमाटर डालकर कितना अच्छा कलर आया देख रहे हैं। और ये बन गया मेरा दाल, ये है चावल और ये मैंने प्याज काट रखा है क्योंकि मैं खाती ही हूँ। और यहाँ फ्राई हो रहा है करेला। तो खाना मेरा बन गया, मैं थोड़ा आप लोग को उतना डिटेल में नहीं दिखा पाई, ये करेला फ्राई होगा, हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देखिए मेरा फेस देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ गर्मी है। मतलब किचन में काम करना एक बहुत बड़ा मतलब आपको चैलेंज है कि आप किचन में काम कर रहे हैं और ये मेरा करेला फ्राई हो रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, मुझे लग रहा है कि मैं फटाफट से मतलब खाना कंप्लीट करूँ और बस एकदम देखिए फटाफट से मैं आराम से फ़ैन चला कर फैन पर बैठूँ। और पड़ी मेरे हस्बैंड भी नहा लिए और पड़ी तो टीवी देख रही है जैसे देखती है, और पड़ी का भी खाना मैं निकाल कर रखी हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आ गया सॉरी, तो मैं पड़ी का भी खाना निकाल कर रखी हूँ जो उसको खिलाऊंगी अभी नहीं। एरा इसमें मैं निकाला हुआ है बटर, दाल, चावल है और आपको वो जो सब्जी बनाई हूँ उसमें से आलू को मतलब छाट कर डाल दी हूँ।
और ये करेला तो फ्राई होगा और हम लोग खाने बैठेंगे। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, खाना खाएंगे उस समय मैं ब्लॉग को एंड कर दूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। इतना गर्मी है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड बिना टी शर्ट के है तो मैं आप लोगों को बार बार दिखा नहीं सकती। और यहाँ चल रहा है फैन, मैं फैन में खड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बोली तो जितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, बहुत बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत गर्मी कर रहा है। नहीं हवा तो नहीं लग रहा है। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मैं इतना तेज फैन चला के हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं इसलिए मैं सूट नहीं कर रही हूँ कि फैन का पूरा हो सकता है, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो फैन का आवाज़ आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग किसी तरह वाइफ के साथ बैठे खाने के लिए नीचे बैठे हुए हैं। सो परी अपना रूम में खा रही है, टीवी चल रहा है खा रही है और हम लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं। सिंपल खाना, दाल चावल बैगन का सब्जी करेला का भुजिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड तो करेला से ही खाए जा रहे हैं, उनको बैगन भी टच भी नहीं किया अभी तक, बैगन वो इतना पसंद है उनको करेला, बट मैं करेला से नहीं खा रही हूँ, मुझे तीता पता नहीं, आज मन नहीं कर रहा करेला खाने का, मैं दाल चावल बैगन की सब्जी खा रही हूँ। खाकर तब मिलती हूँ आप लोग, इसलिए ऐसे फैन का बहुत ज़्यादा आवाज़ मिल रहा होगा आप लोग को, खाकर तब मिलती हूँ, ठीक है। सो नहीं अभी आप आराम से रहिए। सो हम लोग का खाना पीना हो गया और बस मैं लेती हुई हूँ, नीचे की तरफ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और सच्ची में बहुत आराम लग रहा है। हम लोगों ने लगा लिया स्टैंड फैन और आराम से नीचे पूरा फ्लोर अच्छे से क्लीन करके लेटे हुए हैं। बहुत गर्मी है, क्या करें, मतलब कैसे भी करके गर्मी तो गर्मी है, जैसे आराम लगे वैसे रहना है। सो हस्बैंड मेरे टी शर्ट पहने हुए नहीं है, सो इधर है वो, इधर मैं आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ, ये रहा मोबाइल देख रहे हैं। तो कितना बज रहा है, 4:10 हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइमिंग हो रहा है। सो 4:10 हो गया है और परी भी गर्मी से पूरा परेशान है, इधर से उधर करते रहती है, इसलिए मैं उसको मोटा कपड़ा नहीं दी हूँ, बच्ची है परेशान हो जाएगी। और मैं ना खाना खाने के बाद, मैं आप लोग को नहीं बताई, मैं खाना खाने के बाद किचन क्लीन नहीं की हूँ, मतलब किचन क्या क्लीन नहीं की मैं बताती हूँ। जैसे कि ये बर्तन है और ये बर्तन है, ये सब मैं बाद में धोऊंगी, अभी मैं खाना खाऊंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी। बाहर का वेदर थोड़ा सा अच्छा है और प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर दी हूँ, प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन, एकदम भी गंदा नहीं है। चाय का बर्तन को धो कर रख दी हूँ कि चाय पियेंगे हम लोग। और कपड़ा नहीं उठाई हूँ, कपड़ा बाद में उठाऊंगी। और परी खेल रही है और हम परी इतनी बदमाशी करती है, हम लोग जो एक पिलो लेकर रखे हैं उसका मन कि वो भी हम लोग दे दें, उसके लिए ये बदमाशी कर रही है। सो ये बाहर का व्यू है, किचन की तरफ से भी बोलिए या फिर इस रूम से ये व्यू दिखता है बाहर। ये बहुत सारा पेड़ है, कटहल, ये आम का है, ये कटहल का है, ये वाला जो है क्या बोलते हैं इसका, अरे बेदाना का है, बेल का है, बस ये सब पेड़ है। और मंदिर है, यहाँ से रास्ता दिखता है। सो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत गर्मी है, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं रेस्ट करूँगी, बहुत गर्मी है। देख रहे हैं परी को, मुझे स्टैंड फैन लगा के हॉल रूम में लेटे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रेस्ट करूँगी। इस ब्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ, ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा। सुबह से लेकर दोपहर तक का मैंने अच्छे से शेयर किया है जितना कर पाई हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ आज गर्मी से, मतलब मेरी बेटी परेशान है, हस्बैंड परेशान है, हस्बैंड तो काम पे गए थे, उनको तो काम पे जाना है, काम पे गए थे, काम से आए हैं, तो इतना पानी उनको मैं दी, पानी दी, ग्लूकॉन डी बना कर दी, और मैं खुद भी पानी पी रही हूँ, पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी के टाइम में पीना ज़्यादा, तो पानी तो पी रहे अपने हिसाब से, तो ज़्यादा ही पी रहे हैं। बट मैं ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय।